नौगावा क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही खनन से लदी ट्रैक्टर ट्राली को तहसीलदार व लेखपाल ने पकड़ा। थाने लेकर पहुंचे तो थाना प्रभारी और हेडमोर्रे से हुई नोकझोंक, हटाने की मांग को लेकर लेखपाल धरने पर बैठे। आपको बता दें कि शनिवार शाम 5:30 बजे तहसीलदार लक्की सिंह ने लेखपाल के साथ मिलकर अवैध रूप से चल रही मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया था, जिसके बाद उसे थाने लेकर लेखपाल पहुंचा तो वह मौजूद हेडमोर्रे और थाना प्रभारी ने लेखपाल के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। इसको लेकर सभी लेखपालों ने नौगावा थाने के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था और रोड पर बैठकर जाम भी लगा दिया था, जिसके बाद सभी लेखपालों का कहना है कि जब तक थाना प्रभारी और हेड मोर्रे को यहां से नहीं हटाया जाएगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देर रात लगभग 2 बजे के आसपास में भी सभी लेखपाल धरने पर बैठे रहे। लेखपाल संघ के अध्यक्ष परवेज आलम का कहना है कि जब तक थाना प्रभारी और हेड मोर्रे को यहां से नहीं हटाया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सूचना मिलते ही अमरोहा के एडीएम मायाशंकर यादव भी वहां पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही इस मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। लेखपालों का कहना है कि जिस तरह से थाना प्रभारी और हेड मोर्रे ने हमारे साथ बदतमीजी की है तत्काल प्रभाव से यहां से हटाया जाए। धरना प्रदर्शन में सभी लेखपाल शामिल हो गए और उन्होंने रात में थाने के सामने बैठकर ही खाना बनाना शुरू कर दिया। इस मौके पर परवेज आलम, सोमपाल सिंह, चतुर सिंह, गौरव कुमार, हिमांशु यादव, अभिषेक गुजर, ओमपाल सिंह, याकूब अली आदि लेखपाल मौजूद रहे।